नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल ये जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत ही आम हो चुकी है कि जो लोग गुटखा हद से ज़्यादा खाते हैं या गुटखा खाना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा गुटखा खाने से एक स्टेज ऐसी आती है कि उनका जो है वो मुंह जो है बंद हो जाता है। ये जो साइड की हमारी तीन उंगलियां जो है वो अंदर नहीं जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी एक उंगली तक जो है उनकी अपने मुंह में नहीं जाती, यानी उनका जो मुंह है वो कम्प्लीटली तौर पे नहीं खुल पाता है, और मुंह खुलने में जो उनको परेशानी होती है। इसके जो है कॉज बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा जो है गुटखा चबाने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। आज जो है हर कोई जो है इसके बारे में, ये क्वेश्चन के बारे में फेसबुक, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पर जो है इसके उपाय जानने की कोशिश कर रहा है, कोई इसके घरेलू उपाय जानने की कोशिश कर रहा है, कोई इसकी एक्सरसाइज जानने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, और इसके बहुत सारे घरेलू उपाय, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज भी जो है आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगे। आप इसकी एक्सरसाइज जो है यूट्यूब वगैरह पर देख लीजिए, और इसकी एक्सरसाइज आप डेली करते रहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर उसकी एक्सरसाइज बताऊँ तो इसके लिए काफ़ी समय दरकार है और वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आज आपको उसके इलाज के लिए एक ऐसी कैप्सूल बता रहा हूँ जिसके यूजेस से आपका जो मुँह है वो कम्प्लीटली तौर पर खुल सकता है, और बगैर जो है सर्जरी किए हुए। वरना इसका इलाज जो है वो सर्जरी के ज़रिए ही इसका इलाज, या अंदर जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कैप्सूल बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से जो है आपका मुंह जो है वो कम्प्लीटली तौर पर खुलना शुरू हो जाएगा। टैबलेट कैप्सूल है, इसका नाम लिख लीजिए आप, एसएम फाइब्रो। एंडिको फार्मा के ज़रिए बनाई जाती है एसएम फाइब्रो। आपको जो है आसानी के लिए स्क्रीन पर इसका फ़ोटो भी नज़र आ रहा है। एसएम फाइब्रो आपको सुबह शाम जो है एक एक कैप्सूल जो है वो लेना है, जिसकी मदद से आपका कुछ ही दिनों में मुंह खुलना जो है वो शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की ये मालूमात जो है वो काफ़ी अच्छी मालूमात है, लेकिन एसएम फाइब्रो का जो आप यूज़ करेंगे तो किसी डॉक्टर की सजेशन के या डॉक्टर की पर्ची के बिना जो है आप इसका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर से एक बार इसका आप सजेशन ज़रूर ले लें। अंत में यही फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हो तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गुटखा जो है आपकी जान भी ले सकता है। और अंत में ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज की वीडियो आपको किस तरह लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएँ।